तो दोस्तों प्राइम वीडियो यानी कि अमेजोन प्राइम, तो दोस्तों उस पे एक ट्रेलर आया है दहाड़ सीरीज़ का, जिसमें एक्टर हैं अपनी सोनाक्षी सिन्हा और हीरो के रोल में हैं विजय वर्मा। तो रिएक्शन करते हैं उसका। तो आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बाकी बातें करेंगे रिएक्शन के बाद। तो दोस्तों रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, 1 2 ये 3। कृष्णा तुम्हारी बहन। कृष्णा की उम्र क्या है? 28 साल। अब कहाँ है तुम्हारी बहन? आप पता है 6 महीनों से। सर इस छोरी का केस और कृष्णा का केस डिट्टो एक जैसा लग रहा है। 5 नंबर और मिले हैं जिनमें सेम पैटर्न, सारे के सारे नंबर छोरियों के नाम। सारी छोरियों के गायब होने के हालात एक जैसे, लाइफ में आदमी एक जैसा और दो और दहेज की कहानी एक जैसी। मैंने तो किसी राक्षस का अवतार लगे है। सुसाइड केस, 2 महीने हो गए यहाँ पड़े, अभी तक कोई नहीं आया पूछने। सर जिस आदमी ने इन छोरियों को भगाया है उसी ने इनको जहर खाने को राजी किया है। तुम्हारा मतलब है कि ये सब अकेले एक आदमी का काम है? हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, भगवान सब देख रहा है। विजय वर्मा। सर प्रोफाइल तो फिर बैठ रही है, उम्र 35 से 40 साल के बीच, शादीशुदा आदमी, एक बच्चे का बाप। ये प्रोफाइल तो मेरे पे भी फिट बैठती है। हमारे को तो ये आनंद पे रत्ती भर विश्वास ना है। पर भैया कोई शक करने की वजह तो हो, कॉलेज में प्रोफेसर, घर परिवार वाला आदमी, 4 ढंग की बात सिखावे। तो क्या भारत रत्न दे दे उसको। कबूल कर लो कि आरती का मर्डर कौने किया है। मैं भगवान की सुगंध खाता हूँ, पेड़ में से किसी को नहीं जानता। प्लीज पुलिस को मत बताना, तो तुझ पर ये ना भला नहीं होगा। सीधे सीधे बताती है आउट ऑफ वन। अभी तो शुरू हुआ है। Smile. बारा भाई तो दोस्तों जैसे कि बहुत ही थ्रिल लग रहा है इसके अंदर, और इसका जो इसके अंदर बीजम बज रहा ना, इसका सीरीज का बीजम, वो दोस्तों 4 चांद लगा रहा है इसके अंदर, मतलब। और सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग इसमें थोड़ा लग रहा है कि हाँ उन्होंने मेहनत की है, कह सकते हैं एकदम फाड़ू टाइप में लग रहा है। जो उसमें थ्रिल है ना वो दोस्तों महसूस हो रहा है, और जो उसमें 4 चांद लगाने का काम करा वो दोस्तों उसका म्यूज़िक यानी कि बीजम। तो दोस्तों बीजम ने इसका 4 चांद लगा दिया इसमें, और 12 मई को आ रही है। तो दोस्तों इस सीरीज को देख के आपको रिव्यू मिल जाएगा इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसका रिव्यू पाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।